ब्लैक स्टोरी के पहले अंक में हमने बॉबी हत्याकांड के बारे में आपको बताया था। हमने बताया था कि कैसे बॉबी के संबंध सियासी गलियारों में रहे थे। आज इसके आगे की ब्लैक स्टोरी सुनिए। वह दिन था 11 मई 1986 का। उस वक्त खबरों के लिए लोग सुबह अखबार का इंतजार किया करते थे। सुबह हुई और अखबारों ने जैसे ही पटना के लोगों के दरवाजे पर दस्तक दी, पहले पन्ने पर ही छपी खबर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। खबर यह थी कि बॉबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, लाश को कहीं छुपा दिया गया है। हैरानी की बात यह भी कि इस मौत के बारे में कहीं कोई FIR नहीं लिखी गई थी और न ही कहीं से हो रही थी कोई कानूनी कार्रवाई। बॉबी, जिसकी मौत अब एक रहस्य बन गई थी, वह थी कौन? बॉबी का असली नाम था श्वेत निशा त्रिवेदी। वह बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोदली हुई बेटी थी। बॉबी बिहार विधानसभा में ही टाइपिस्ट का काम करती थी। जानकारी के अनुसार बॉबी का उठना बैठना कई बड़े राजनेताओं और अफसरों के साथ हुआ करता था। बॉबी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। बिहार विधानमंडल में शायद ही कोई हो जो बॉबी को नहीं जानता पहचानता हो। उधर अखबार में छपी खबर जंगल की आग की तरह लोगों के बीच फैलती चली गई। यह खबर उस वक्त पटना के तात्कालीन SSP किशोर कुणाल तक भी पहुंची। कुणाल उस वक्त नए नए ही पटना में पोस्टिंग पर आए थे। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। किशोर कुणाल ने इस मामले की पड़ताल करने का मन बनाया। फिर थाने में FIR दर्ज कर ली गई और पुलिस लग गई मामले की जांच करने में। किशोर कुणाल ने इस केस को लेकर बिहार विधान परिषद के सभापति और बॉबी की मां राजेश्वरी देवी से मिलने का समय मांगा। समय मिलने पर वो तय समय पर राजेश्वरी देवी के आवास पहुंचे और उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी। राजेश्वरी दास ने बताया कि बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह में हुई थी। इसके बाद उसके मृत शरीर को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉबी ईसाई धर्म मानती थी। अब किशोर कुणाल के पास सवाल ये था कि बॉबी की मौत हुई कहाँ थी और यह मौत कैसे हुई। उन्होंने इसकी पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि बॉबी की मौत विधान परिषद सभापति के सरकारी बंगले में ही हुई थी। इसके बाद पोस्टमार्टम की दो दो रिपोर्ट पुलिस के हाथ लग गई। दोनों ही रिपोर्ट अलग अलग डॉक्टरों के द्वारा बनाए गए थे। एक में बॉबी की मौत का कारण था इंटरनल ब्लीडिंग, जबकि दूसरी रिपोर्ट में मौत की वजह थी हार्ट अटैक। मामला अब और भी उलझ गया था। इसके बाद किशोर कुणाल ने बॉबी की लाश को कब्र से निकालने का फैसला किया। कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं और कब्र से बॉबी की लाश को निकालकर फिर से कराया गया पोस्टमार्टम। इसके बाद क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए? क्या बॉबी की मौत एक कत्ल में बदल गई? किसने किया था आखिर बॉबी का कत्ल? ये बताएंगे ब्लैक स्टोरी के अगले अंक में। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक चंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।